हेलो चिल्ड्रन एंड टुडे इट्स टाइम टू लर्न वन मोर न्यू लेटर ओके बट बिफोर दैट टेल मी चिल्ड्रन व्हिच लेटर वी हैड इंट्रोड्यूस प्रीवियस में हमने कौन सा लेटर सीखा है अभी यस वी हैड इंट्रोड्यूस लेटर जे यस हमने अभी कौन सा लेटर सीखा है लेटर जे एंड जे सेज ज ओके And after letter J, which letter comes? Do you know? Yes, after J, the letter K comes. Yes, which letter is the children? Letter K. Yes. तो अभी इस letter के बारे में हम सीखेंगे Yes. कौन से letter के बारे में Letter K. Yes. Which letter is this? K. And K says K. Cases, K. Yes. And look at the pattern, children. Yes. See, put your finger here. Yes. This is standing line, है ना? Yes. And this one is slanting line. And see, one more slanting line, है ना? Yes. So the pattern of letter K is one standing line and two slanting lines. Okay? Yes. So let's meet the family of letter. K, yes. देखो K for kite. Which picture is this? Yes, K for kite. अब सबको पता है kite है ना? Yes, K for kite. Yes. K is for kite. It's flown in the wind. K is for kite. It's flown in the wind. We can control it with the help of string. We can control it with the help of string. K for kite, it's flown in the wind. We can control it with the help of string. Yes, so this is K for kite. Then, yes, look at this picture, children. Yes, this is an animal. ये animal है एक और इसका नाम क्या है? Kangaroo. What is the name of this animal? Kangaroo. Yes, K for kangaroo. Yes. और देखो ये animal है ना अपने baby को कैसे देखो उनके उसके पास ना एक pocket होता है pouch जैसे होता है और अपने baby को वो pouch में लेके घूमता है Yes. तो इस animal को हम क्या बोलते हैं Kangaroo. क्या है Kangaroo. तो K for kangaroo. Yes. Then नेक्स्ट पिक्चर देखो यस पता है आपको ये क्या है हाँ पहचाना आपने कैट जैसा लग रहा है बट कैट का बेबी है ये और कैट के बेबी को हम क्या बोलते हैं किटेन के फॉर किटेन किटेन हम किसको बोलते हैं कैट के बेबी को ध्यान में रखना है कैट के बेबी को हम किटेन बोलते हैं तो के फॉर किटेन छोटा सा बेबी यस कैट की जो छोटी सी बेबी होती है ना छोटा सा बेबी उसको हम किटेन बोलते हैं यस देन सी नेक्स्ट पिक्चर यस के फॉर केटल क्या है ये केटल जिसमें हम चाय रखते हैं टी जब हम बनाते हैं ना चाय तो ये इसमें केटल में गर्म रहती है ओके सो ये क्या होता है टी का पॉट होता है तो इसको हम केटल बोलते हैं के फॉर केटल यस Then next, yes, पता है आपको K for king, king मतलब कौन होता है राजा Yes, K for king, yes, और देखो मेरे पास मैम आपके पास भी चाबी होगी ना ये इसको हम चाबी बोलते हैं ना बट इसको इंग्लिश में हम की बोलते हैं ओके सो K for key, क्या है ये इसको हम क्या बोलते हैं K for key, yes. Now, see, और भी एक चीज मैम के पास में है ये देखो इसको हम नाइफ बोलते हैं क्या बोलते हैं नाइफ के फॉर नाइफ यस याद रखना है आपको के फॉर नाइफ तो आपको ये के की फैमिली अच्छी तरह से याद रखनी है ठीक है तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है के फैमिली की एंड अभी हम फ्री हैंड प्रैक्टिस करेंगे और आपको भी फर्स्ट फ्री हैंड प्रैक्टिस ही करनी है ओके यस वर्कबुक में लिखने से पहले आपको फ्री हैंड प्रैक्टिस करनी है
तो चलो हम देखते हैं कि केक का पैटर्न कैसे है। ओके, कैसा था पैटर्न मैम ने बताया था आपको? फर्स्ट के क्या था? फर्स्ट यस स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट में स्टैंडिंग लाइन, देन वन स्लैंटिंग लाइन एंड यहां से ही ज्वाइन करके अनादर स्लैंटिंग लाइन, है ना? यस तो ये ऐसे आपको क्या करना है, पहले तो प्रैक्टिस करनी है ऐसे। यस स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग लाइन, ज्वाइन करके है देखो यहाँ पे। यस स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, उसी को ज्वाइन करके दूसरी स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, उसी को ज्वाइन करके दूसरी स्लैंटिंग लाइन। यस सो दिस इज लेटर के और केसेस क, केसेस क। यस आपको फुल पेज प्रैक्टिस करनी है के लेटर के की, ठीक है? देन हम डॉट्स पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आपको ना ऐसे फोर डॉट्स पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले स्टैंडिंग लाइन टू डॉट्स ज्वाइन करके आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। देन आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन बनानी है और यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन बनानी है, ठीक है? यस तो आपको इस तरह से फोर डॉट्स पे बनानी है, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग लाइन। ओके यस देखो फिर से और ये ऐसे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर से यस स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। तो ऐसे आपको फुल पेज प्रैक्टिस करनी है। ओके चिल्ड्रन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग, स्लैंटिंग, फुल पेज आपको प्रैक्टिस करके लेटर के की पहले फ्री हैंड प्रैक्टिस कर लो ताकि आप पैटर्न अच्छे से समझ जाओगे और आपको इंट्रोडक्शन और रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना? एंड देन आफ्टर आपको वर्कबुक में ये लेटर करना है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर के, बट फिर से हम लोग एक बार रिविजन करते हैं लेटर के का। सो दिस इज लेटर के। ओके के फॉर काइट एंड के सेज क, K for kite, then K for kangaroo, K for kangaroo, K for kettle, K for king, K for kitten, K for key, है ना? K for key, yes, और K for knife. यस इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है बट ये के की फैमिली से ही बिलोंग करता है, के फॉर नाइफ। यस सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर के। सो डू प्रैक्टिस ऑफ लेटर के। थैंक यू एंड बाय बाय।